पहले इसके बारे में मेंशन करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहां पे, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HGP। ये स्टार्टेड हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्टेड हुआ था 1990 के अंदर। ये लॉन्च कब किया गया था? HGP वॉच लॉन्च इन 1990 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। और कंप्लीट कब हुआ था? ये कंप्लीटेड इन 2003 के अंदर कंप्लीट हुआ था। बट क्रोमोसोम फर्स्ट, जो क्रोमोसोम फर्स्ट था वॉच कंप्लीट इन 2006। एक्चुअली आप मान सकते हो कि इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट हुआ था ये प्रोजेक्ट 2003 के अंदर, बट एक्चुअली पार्शली कंप्लीट था तब तक, क्योंकि क्रोमोसोम जो फर्स्ट था वो अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं गया था उस टाइम तक। और जो क्रोमोसोम जो फर्स्ट था वो कंप्लीट पढ़ा गया था 2006 के अंदर। तो 2006 जो थी इसके अंदर एक्चुअली क्रोमोसोम फर्स्ट जो है वो पढ़ा गया था। तो आप इसके अंदर ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर डायस्ट्रोफिन जो जीन होता है सबसे बड़ा जीन होता है, जिसके बारे में हम आगे लिखेंगे। तो इसी तरह से सबसे लास्ट टिल 2006 तक कंप्लीट हुआ था। अब इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? इसमें जो मेन इस प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया था उसमें थे जो HGP था, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो कंट्रीब्यूटर थे वो थे यूएसए के दो डिपार्टमेंट थे, एक था नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट, एक था एनर्जी डिपार्टमेंट। नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट एंड नेशनल एनर्जी डिपार्टमेंट, इनमें दो यूएसए से दो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। उसके अलावा इसमें था वेलकम ट्रस्ट ये यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड के अंदर। इसके अलावा अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, जापान ने और चाइना, इन कंट्री का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था इस प्रोजेक्ट में। लेकिन यहाँ पे मेजर जो कंट्रीब्यूटर था वो था यूएसए, जिसने यहाँ पे करीबन 60-70% का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया था टोटल ट्रस्ट में। और ये उस टाइम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, यानी 1990 के अंदर करीबन $9 बिलियन इसका टोटल जो था कॉस्ट था इस प्रोजेक्ट का। इसके आगे देखेंगे, इस प्रोजेक्ट क्या था, HGP पोस्ट जो था कंप्लीट प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट कॉस्ट $9 बिलियन ये डॉलर का सिंबल होता है, ये डॉलर $9 बिलियन जो था इसका टोटल एस्टिमेट कॉस्ट था। और इसी कारण से कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आ चुका सीबीएसई के अंदर
टू मार्क्स में आई थिंक ये आया था कि जो एचजीपी होता है उसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। उसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में नियरली $9 बिलियन में करीबन यहाँ पे नियरली आप मान सकते हो कि एक पेज पे को पढ़ने के लिए नियरली $3 टोटल यहाँ पे कॉस्ट था। यानी एक पेज पेयर को पढ़ने के लिए यहाँ पे नियरली $3 चार्ज लगा था उस टाइम पे, यानी स्टडी करने के लिए कंप्लीट। इसके अंदर क्या था, 9 पेज पे, क्योंकि डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है 6.6 × 10⁻¹ पेज पेयर। हैप्लॉयड में कितना हुआ, 3.3, या इसको बोलते 3×10⁻¹ बेस पेयर। बॉज सीक्वेंस्ड, यानी इतने सारे बेस पेयर को हमने सीक्वेंस करना था। सो जो अप्रोक्स चार्ज था, वो लिख सकते हैं $3 पर बेस पेयर, पेयर यानी एक बेस पेयर का चार्ज था वो कितना था, $3 था यहाँ पे पर बेस पेयर। इसको स्टडी कोर्स था टोटल यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में जितना भी स्टडी किया गया है उस सारे मटेरियल को अगर हम बुक पे उसको प्रिंट करें, अगर बुक पे उसके ऊपर लिखें, तो नियरली अगर एक बुक के ऊपर 1000 letters हम लिखें, नॉर्मली एक बुक पे 1000 letters आ नहीं सकते हैं, सॉरी 1000 words लिखें, अगर 1000 words वहाँ पे मेंशन करें या फिर उसमें और एक बुक के अंदर ऐसे ही 1000 pages हों, तो ऐसे करीबन 3300 बुक्स बनेंगी। यानी कितनी बनेगी, एक बुक पे अगर 1000 letters आए और 1000 pages हो तो ऐसे करीबन 3300 बुक्स बनेंगी ऐसी। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि यहां पे एचजीपी का जो डाटा था वो अगर उसके ऊपर लिखा जाए, एचजीपी सीक्वेंसिंग डाटा को अगर बुक पे लिखा जाए तो करीबन 1000 letters होंगे ऑन ए पेज, एक पेज पे, और ऐसे करीबन अगर एक बुक में 1000 pages हैं, 1000 pages होंगे, तो ऐसे नियरली 3300 बुक्स यहां पे बनेगी टोटल। इसका अगर इसको बुक पे उतारा जाए तो कितनी बनेगी यहाँ पे, 3300 या 3300 बुक्स जो यहाँ पे टोटल बनेगी यहाँ पे एचजीपी के डाटा को अगर सीक्वेंसिंग किया जाए, टोटल डाटा को अगर एक पे 1000 letters लिखे जाए एक पेज पे और 1000 pages हो तो ऐसे करीबन इतनी बुक्स बनेगी, यानी 3300 बुक्स बनेंगी यहाँ पे टोटल। तो इसी वजह से इसको कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। इसको क्या कहा जाता है, मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब आगे इसके अंदर मेंशन करते हैं यहां पे अब इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ नई ब्रांच भी यहां पे निकल के आई बायोलॉजी की। नई ब्रांच का मतलब यहां पे सिंपल नहीं था, यहां पे कुछ नई ब्रांचेस यहां पे निकल के आई, अराइज हुई बायोलॉजी की। अब वो नई ब्रांच कौन कौन सी थी, देखो नई ब्रांच यहां पे थी उसका नाम था बायो इन्फॉर्मेट्स, क्योंकि डाटा बहुत सारा था यहां पे, तो
तो हमने क्या किया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड इसको बोलते हैं नॉर्मली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमें ऐसे टेक्निक डेवलप करनी थी जो जो यहाँ पे डाटा एनालिसिस को और ज्यादा इजी कर दे, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा था, उनके डाटा को एनालिसिस करना इजी बना दे। और ऐसे टूल हमने यहाँ पे सेंगर मेथड में हम आगे पढ़ेंगे वो आएगा इसके अंदर, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे वहाँ पे सेंगर मेथड आएगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा, और इसके अंदर भी आ रहा सेंगर मेथड। डाटा एनालिसिस क्या करते थे, जैसे डाटा एनालिसिस बता देते, जैसे एडमिन आया है उसके ऊपर थामिन वहाँ उसके ऊपर थामिन आएगा, तो डाटा एनालिसिस में वो अपोजिट बेस पेयरिंग अपने आप कर देते थे, इसकी वजह से ह्यूमन का जो काम होता वो थोड़ा ईजी हो जाता था। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज किया गया था बायोलॉजी के अंदर, ये एक नई ब्रांच निकाली गई जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। टर्म आई थी यहां पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आज का बहुत ज्यादा यूज किया था बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ड्रग्स को डेवलप करने में, मेडिसिन को डेवलप करना है, कोई वैक्सीन बनानी है, वहां पे हम क्या करते हैं मेडिसिन का रिजल्ट पहले ही देख लेते हैं कि अगर इन इन दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा, इस पार्ट पे इफेक्ट करेगी, ये हम ऑलरेडी आज देख लेते हैं। तो ये पॉसिबल बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वजह से होता है। तो ये क्या होती है, बायो एनालिसिस सॉफ्टवेयर was developed, तो बायो एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर थे वो डेवलप किए गए थे, इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, यानी बायो को एनालिसिस करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए थे जो क्या कहते थे उन्हें बोला गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक नई ब्रांच निकाली गई थी जो कंप्यूटर और बायोलॉजी कॉम्बिनेशन से होती है, इसे नाम किया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब उसके बाद जो हम तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो आता है गोल्स ऑफ एचजीपी, यानी इस प्रोजेक्ट को जब हमने स्टार्ट किया था इसके गोल्स क्या थे, इसकी एम क्या थे, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमने क्यों स्टार्ट किया था। देखो इस प्रोजेक्ट के काफी सारे गोल्स थे, ये आपको एनसीईआरटी में सेम टू सेम रिटर्न मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके गोल्स ये थे कि डाटा एनालिसिस करने को इजी बनाना और करीबन 20 to 25,000 जीन से उनको स्टडी करना, और जो जो इसमें जो टेक्निक आई है जैसे एचजीपी में जो हमें नॉलेज मिली उसको अदर सेक्टर में लाइक फार्मास्यूटिकल सेक्टर जिसे कहते हैं हम मेडिसिन सेक्टर में ट्रांसफर करना, जिसकी वजह से मेडिसिन बनाने में थोड़ी इजी हो जाएगा, ड्रग्स बनाने में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन के सभी चीज को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, तो जिससे अदर मेडिसिन सेक्टर के अंदर इससे ज्यादा और ज्यादा आसान हो जाता है इसे एनालाइज करना।